नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमीज क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूँ होली स्पेशल। ऐसे टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो मैं आज ना मेरे बुटीक में कुछ होली के लिए आउटफिट डिज़ाइन हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को लगे कि कुछ काम का वीडियो है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। फर्स्ट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक कफ्तान टॉप। ये कफ्तान टॉप दिखा रही हूँ जो कि ये होली में इस टाइप की ड्रेस बहुत बहुत और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसमें ना पॉम पॉम लेस मैंने इंक्लूड किया है, देख सकते हो। ये बच्चों का टॉप है, बच्चों मतलब ये 10 to 12 ईयर्स से 13 ईयर्स के बच्चों को हो जाएगा। और तो ये दोनों ना एक साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत। देखिए होली के लिए ना ये इस टाइप का ड्रेस एकदम परफेक्ट ड्रेस है। और मैंने इस पैंट के धोती पैंट के लिए मैंने एक कुर्ती भी बनाया है इसके साथ। ये देखिए, ये कुर्ती है येलो कलर का। होली में व्हाइट येलो इस टाइप के ड्रेसेस, इस कलर के ड्रेसेस बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसको ध्यान में रख के मैंने बनाया है इस टाइप के आउटफिट्स। और मेरे कस्टमर का भी डिमांड था तो ये वाला कुर्ती देखिए, इसमें इस टाइप के टशल लगे हुए हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट है। ये 5 इयर्स की एक बच्ची के लिए है ये कुर्ती। और इसके नीचे भी जिस टाइप का मैंने धोती पैंट अभी दिखाया, जस्ट उसी टाइप का धोती पैंट ब्रासो का इसके नीचे भी है। वो एक्चुअली मैनीक्विन में नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं पहनाया, सेम ही डिजाइन है। और नेक्स्ट मैं फिर से दिखाने वाली हूँ एक कफ्तान कुर्ती। अपनी कफ्तान टॉप देखा, ये कफ्तान कुर्ती है। इसमें भी मैंने सेम पॉम पॉम लेस इंक्लूड किया है। ओवरऑल इसका लुक ना इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब होली के लिए क्या बताऊं, एकदम परफेक्ट परफेक्ट ड्रेस है ये। और वो कफ्तान टॉप जो था उसके सामने में फ्रंट में उसमें डोरी और टशल लगे हुए थे, बट इसका ये बॉडी फिट है। और थर्ड ड्रेस में दिखा रही हूँ होली के लिए, ये भी डिजाइन किया गया है। एक लहंगा स्कर्ट और उसके ऊपर ब्लाउज, एक लहंगा है देखिए, इस टाइप के लेस इंक्लूड किए हुए हैं। इसे बनारसी दुपट्टा, बहुत बड़ा घेर दिया हुआ है इसका पूरा, बहुत ज्यादा घेर का स्कर्ट है इसका। और ये ब्लाउज है, प्रिंसेस स्कर्ट और पैडेड ब्लाउज है ये। बैक इसका सिंपल ही है, कुछ बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं है, बैक इसी राउंड ही है। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और होली के लिए बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है। लोग होली में व्हाइट और येलो ज्यादा पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है ये ड्रेस भी, इस टाइप का ड्रेस। ये मैं आपको दिखा रही हूँ फोर्थ ड्रेस। ये व्हाइट कलर का एक साड़ी था कोई कस्टमर का, उन्होंने मुझे दिया ये बनाने के लिए होली के लिए स्पेशली। उन्होंने मुझे सिंपल रखने के लिए इसको बोला था तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है। बस उस साड़ी में जो लेस था मैंने उसके स्लीव में इंक्लूड किया है। और उसके ब्लाउज, लॉन्ग ब्लाउज है ये, इसमें इंक्लूड किया है मैंने। और इसका ये स्कर्ट बनाया है एकदम कली वाला, जो स्कर्ट होता है बहुत ज्यादा घेर का कली वाला स्कर्ट। और साड़ी का जो बॉर्डर था उसको मैंने नीचे इंक्लूड किया है। और इसमें कुछ ब्लैक टशल लगाए हैं, ये वो स्पेशली होली के लिए बनवाई है हमसे। बट ये दुपट्टा इसके साथ नहीं है, इसके लिए एक गॉर्जियस दुपट्टा लेना है ब्लैक कलर का, बट वो नहीं आया था तो मैंने एक अलग दुपट्टा डाल के आप लोगों को बस दिखा दिया कि इसका ओवरऑल लुक ऐसा लगेगा। तो ये साड़ी एक टाइम में बहुत ज्यादा चला हुआ है था, एक टाइम में बहुत चला हुआ था इस टाइप का, सेल्फ प्रिंट पे ये साड़ी बहुत ज्यादा चला हुआ था। बहुत अच्छा भी लगता है इस टाइप का, इस टाइप के साड़ी से ना लहंगा या कोई भी आउटफिट बनाना ना बहुत इजी होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आंचल और नीचे बॉर्डर ये सब का कोई झमेला नहीं होता, तो पूरा का पूरा साड़ी हम लोग यूज कर लेते हैं एक आउटफिट में।
तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को आज का डिज़ाइन मेरा कैसा लगा। अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए मुझे कि कैसा लगा आप लोगों को ये डिज़ाइन। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और होली से पहले और भी कुछ आउटफिट्स और कुछ डिज़ाइन मैं होली का दिखाऊंगी आप लोगों को। ये सब अभी रेडी हो रहा है हम लोगों का, जैसे जैसे रेडी होगा मैं उसको ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय। वो वाले कफ्तान जो आप लोगों ने देखे वो भी कफ्तान टॉप था, और ये कफ्तान कुर्ती है। देखिए ओवरऑल लुक इसका बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बट दोनों के डिजाइन डिफरेंसेस हैं। ये बॉडी फिट है, बॉडी के हिसाब से इसको फिटिंग किया गया है। और वो वाले जो कप्तान आपने देखा उसमें वेस्ट एरिया पे एक डोरी लगा हुआ है जिसको अपने बॉडी के हिसाब से आपको टाइट करना होगा, और सामने टसल है उसके। तो दोनों के डिजाइन डिफरेंसेस है, वो टॉप है और ये कुर्ती है। डिजाइनर आउटफिट है होली के लिए।